ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अभी बारिश शुरू ही हुई है कि मुंब्रा में इमारतों का स्लैब गिरने की खबर सामने आना शुरू हो गई है। किस्मत कॉलोनी में ठाकुर मंजिल नामक इमारत का स्लैब गिरा। इसके बाद आज खबर सामने आई कि मुंब्रा के ठाकुर पाड़ा में गणेश सदन नामक दो मंजिला इमारत का स्लैब गिर गया। इस इमारत में 27 मकान हैं, मगर 23 मकानों में लोग रहते थे। गनीमत ये रही कि जिस रूम में स्लैब गिरा उसमें कोई नहीं रहता था। बहरहाल इमारत की हालत काफ़ी जर्जर है, लोगों के घरों में छतों से पानी भी गिर रहा है। दो मंजिला इमारत में स्लैब गिरने की खबर मिलने के बाद मनपा अतिक्रमण विभाग के कर्मचारी वहां पहुंच गए और इमारत को खाली कराया गया। लोग अपने ज़रूरत का सामान लेकर इमारत को खाली कर दिए। मनपा ने इस इमारत को सील कर दिया है, मगर वहीं बरसात के मौसम में लोग जाए कहां, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में महिलाओं में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला। महिलाओं का कहना है कि सभी ने रिपेयरिंग के लिए पैसे दिए थे, मगर रिपेयरिंग ना होने की वजह से इमारत की यह हालत हुई है। धोखाधाई में हम नहीं रहे, धोखाधाई में हम नहीं रहे भाई, साथ ही घर वाले हो, परिवार वाले हो। जाओ पुलिस में, जाओ जाओ, क्या करते हो पुलिस का भी हम लोग बोला, जाओ भाई। मेरा गला बैठ गया, सुबह से हम लोग दौड़ रहे क्यों मालूम है, बिल्डिंग में 8 दिन से पानी नहीं दिया। बीएमसी गए, पुलिस चौकी गए, नगर सेवक गए, सब जगह हम जाके आ रहे, बोले हमने नहीं काटे पानी, मुन्ना भाई काटा है। कोई 24,000 रुपए नहीं दे, बिल्डिंग से नहीं मांग रहा, बिल्डिंग वाले भी सियाने हो गए, बिल्डिंग वाले सियाने हो गए, नहीं दे रहे। ये देख रहे नहीं खंडल पड़ी है, वो भी हमारा पैसा लेके खा जाएगा, है कि नहीं। रिपेयरिंग के लिए किसको दिया, मुन्ना भाई को। एक रूम से 80,000 रुपया, 1,60,000 रुपया दे चुके हैं। चार साल पूरा हो गया, 5 साल लग गया, नहीं किया, आज ही रिपेयरिंग करता। हमारा दिल जल रहा था जिस चिल्लाएंगे, जब दिल जलता है तो निकलता है, सही है ना। आज दिल जल रहा था, निकले हमने, निकले ये बिल्डिंग में भाड़े में, तो उसके वास्ते भी हम निकले, निकले हम भी रह रहे, हम भी 8 दिन से पानी नहीं हमारे बच्चों को, कहाँ कहाँ नहीं गए पुलिस चौकी भाई, पानी में भरे हुए पानी में। भाई बोले हाँ जाओ, ये बिल्डर को करो हमारा रिपेयरिंग, और हमारा रूम चाहिए हमको। आज एक रूम हमारा 8 लाख का भी होगा, 16 लाख के 2 रूम हो गए हमारे, प्लस हमने रिपेयरिंग कर 1,60,000 दिया है। हमारों को कैसा भी दो, तो हमको रूम दो, पुलिस या तो पुलिस वाले रूम दो, अगर हमका रूम सिम आते हैं हमको कहीं भी रहने को दो, हम लोग कहाँ जाएंगे, सही है भाई। सही है, हमारा पैसा हमने नहीं, हमने जानबूझ के रिपेयरिंग नहीं, हमने रिपेयरिंग का पैसा दे चुका है, हमारी कोई गलती नहीं है, कि नहीं। गलती उस वक्त होती है हम लोग रिपेयरिंग का पैसा नहीं निकालते, इस वक्त होती है हम रिपेयरिंग का पैसा नहीं देते। अरे वो साहब को तो मैंने वही बोली, बोले आप धोखा दे में रह रहे, हमने पैसा दिए, पैसा दिए, पैसा दिए, उसको 80,000 एक रूम का, 1,60,000 दिए, तो खाली कर रहे हैं पागल। वो भी तो बताओ, दूसरे आदमी को पैसा लेके 2-3 लाख रुपए लेके दूसरों को घुसा रखा है, मैं भटक रही हूँ क्यों, सुबह से पानी के लिए, ये बिल्डिंग के लिए भटक रही हूँ, तो अपनी बिल्डिंग का मैं नहीं बोलूंगी। अभी कल ही मेरी मुन्ना भाई से बात हुई, मुन्ना भाई क्या बोलते हैं, हाँ आपका काम करा रहा हूँ, कब करा रहा मैं, यहाँ तक बड़ी कब्र में जाने के बाद में। लेकिन मुन्ना भाई के घर पे काम मिला नहीं, मिलता नहीं मिला, मुन्ना भाई नहीं मिला, उनके दो बेटे को पुलिस ने बोले, हमने जेल में बने, एक को सो रहा है यूसुफ घर में सो रहा है, उसको पकड़ के क्या बोल रहा है, अरे किसी पर जमा तो अब्बा के सामने चिल्लाओ, अरे तेरे अब्बा के सामने, के तेरे अम्मा के सामने, के तेरे दादा के सामने भी चिल्लाए हम, जाओ पुलिस में जाओ, स्कूल वहाँ पे कहाँ रहते थे आप, इसी बिल्डिंग में? जी इसी बिल्डिंग में रहते थे। क्या नाम आप? सलीम से। मुन्ना भाई के हाथ में दिए पैसा, भाई के हाथ में पैसा दिए थे, मुन्ना भाई देखे थे अभी से, साल हो गए आज का, मुन्ना भाई इधर थे, उनका लड़का भी देखने गया, स्लैब गिरा है और भाग गया डायरेक्ट। अभी ये बताओ सील लगा के अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, और हम लोग अभी रोड पे रहेंगे, इधर पे कहाँ पर रहेंगे, हमारे को रहने का कोई ठिकाना नहीं है, तोड़ रहे खाली करा रहे हैं, रिपेयरिंग का पैसा नहीं है, 5 साल हो गए रिपेयरिंग का पैसा ले भाई। वहीं इस इमारत को काफी धोखादायक बताया जा रहा है, मगर ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही मनपा इस इमारत में रहने की अनुमति देगी। फिलहाल मुंब्रा में धोखादायक इमारतों को लेकर मनपा काफी सतर्क है, मगर बारिश के मौसम में शुरुआत में ही स्लैब गिरने की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।